उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के तहसील फतेहाबाद क्षेत्र में भीम आर्मी का कार्यक्रम संपन्न। भीम आर्मी पूरे भारत में दबे कुचले लोगों का साथ देती है तथा हमेशा देती रहेगी। दलित गरीब लोगों के लिए भीम आर्मी एक आशा की किरण लेकर आई है। उक्त विचार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध ने फतेहाबाद के चांद्रगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक रैली भी निकाली। कार्यक्रम से पूर्व अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध, जिला महासचिव गीतम सोनी, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, जितेंद्र करदम, जिला प्रभारी जीतू करदम, महानगर अध्यक्ष साहिद आलम बबलू, महानगर अध्यक्ष कुलदीप कुमार, आकाश गौतम, नरेश दादा, रवि आजाद, प्रवीण कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आगरा से हमारे सहयोगी दुष्यंत कुमार उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मेरा नाम साहिद आलम बबलू है। जो आपने ये सभा की है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज जो हमारे बुजुर्ग दीना बाना जी का आज उद्देश्य से यहाँ पर उनका जन्मदिन बनाया है और सब लोगों जो इसमें उपस्थित हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, हमारे मंडल प्रभारी जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिला संरक्षक जी, जिला प्रभारी जी, सभी लोग उपस्थित हुए। अगला कदम आपका क्या रहेगा? हमारा अगला कदम तो यही है, भीम आर्मी का जो उद्देश्य है दबे कुचलों की आवाज़ बनना, और पूरी तरीके से हमारी भीम आर्मी पूरे जोर शोर के साथ पूरे भारत के अंदर काम कर रही है। कहीं भी कोई अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने